आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, चॉइस न्यूज़ खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप हैं चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अज़र के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी खबरनामा। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के मनुगढ़ के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी पर टीआरएस हलकों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। चुनाचे रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिक रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने भी इस सिलसिले में शानदार फतेह का जश्न मनाते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने आखिरकार टीआरएस पार्टी को फतेह व कामरानी अता कर दी। असेंबली हलके मनुगढ़ में राय दहिंदों ने बीजेपी को सबक सिखाते हुए टीआरएस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। वहीद अहमद एडवोकेट ने मजीद कहा कि तमाम किस्म की साजिशें नाकाम हो गईं। सिर्फ यहाँ बल्कि मुल्की सतह पर केसीआर साहब बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे और इस मुल्क में हमारी यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सेकुलर कायदीन केसीआर साहब जैसे कायदीन को हमारे मुल्क का वजीर आजम यानी पीएम बना दे और इस मुल्क को बांटने वालों को तोड़ने वालों को अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे और यहाँ से खत्म कर दे। तेलंगाना रियासत पर पूरा कब्जा करेगी, ना सिर्फ रियासत बल्कि बीआरएस की शक्ल अख्तियार करते हुए पूरे मुल्क पर इंशाल्लाह हम केसीआर साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि लाख मरकज की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ना सिर्फ पूरा जोर लगाया था मंगोड़े असेंबली हलका पर, आईडी, ईटी, ईडी और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल एक प्रेशर बिल्डअप किया, लेकिन फिर भी आखिरकार वही हुआ, बाबा यहाँ तेलंगाना में दोबारा कोई चलने वाला नहीं, या सिर्फ हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा वजीर आला सिर्फ केसीआर साहब है और केसीआर साहब के सिवा यहाँ पर इस रियासत में दूसरों की हुक्मरानी नहीं चलेगी। और इस रियासत को जितना आज मरकजी लेवल पर डेवलप किया गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनकर आ रहे हैं, ये सब देन हमारी रियासत के वजीर आला जो पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं आज अगर डेवलपमेंट की बुनियाद पर या मल्टीनेशनल कंपनीज की बुनियाद पर या फिर प्रोजेक्ट की बुनियाद पर सबसे नंबर वन तेलंगाना स्टेट है, ये सिर्फ केसीआर साहब की बदौलत है। इसका मरकज़ में कोई मरकज़ के फंड का कोई रोल नहीं, केसीआर साहब ने ये दिखा दिया तुम्हारी पूरी क़ुव्वत यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, हमारे अगर एमएलए को खरीदेंगे खबरदार हो जाओ मरकज की बीजेपी सरकार, नहीं तो इससे ज़्यादा सख्त हम सबक सिखा कर दिखाएंगे। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब पूरे मुल्क में बीजेपी और मरकज की सरकार का पर्दा बेनकाब करेंगे और इनकी एमएलए को खरीदने की ये घिनौनी साजिश को मंजर आम पर लाएंगे। और आज हम मंगोड़ जीते।